स्वास्थ्य विभाग में 40 लाख से अधिक का घोटाला हुआ उजागर। स्वास्थ्य विभाग का बाबू सतेंद्र चक्रवर्ती 2018 में स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारियों का वेतन अपनी पत्नी के खाते में किया था ट्रांसफर। कर्मचारियों द्वारा लगाए गए वेतन बिल का भुगतान उनके खातों में न डालकर खुद की पत्नी के अकाउंट में करता था ट्रांसफर। रीवा कोषालय की टीम ने पकड़ी गड़बड़ी। जांच के लिए रीवा की 6 सदस्य टीम सीएमएचओ कार्यालय पहुंची। मामले की जांच कर रही 6 सदस्य टीम घोटाला के आरोपों में घिरे बापू सतेंद्र चक्रवर्ती से बंद कमरे में कर रही पूछताछ। शेड्यूल स्वास्थ्य विभाग का मामला, क्या पूरा मामला किस तरह? ये मेन, जैसे कि हमारे बिल बनते हैं तो तनख्वाह तो सभी के खातों में गई है, लेकिन जो एरियस के बिल हैं या टीडी के बिल हैं या लमसम का भी बिल आते हैं तो वो दूसरे खातों में उनके सतीन चक्रवर्ती ने अपने खाते में और अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसफ़र करवाए हैं, जबकि यहाँ से बिल यहीं से पास हुए हैं। लेकिन जब उनके हितग्राहियों खाते में न जाकर उनके उनके खाते में पैसे गए हैं, तो जिसका ये ओवरड्राफ्ट हो गया कि इतने पैसे कैसे चले गए ट्रांसफ़र होकर एक ही खातों में, तो उनकी जाँच ये रीवा से कौशालय से आए हैं। इनको मैंने सारे कंप्यूटर दस्तावेज सब दे दिए हैं, ये जाँच कर रहे हैं, एक दो दिन में जांच का रिजल्ट मिल जाएगा। अभी तो जो सामने आया है 30-35 के आसपास का लग रहा है मेरे को लाख का। आपका भी कुछ पैसा नहीं आया? हमारा पैसा 5 महीने का शायद उसके खाते में गया है, वो सन में ये 20 में, मई 20 में, जून 20 में, जुलाई 20 में, अगस्त 20 में और सितंबर में। किस चीज़ का पैसा ये अपने खाते में ट्रांसफर कर? ये लोगों के लिए जो एरियस मिलते थे और जो टीएडीए के बिल मिलते थे, एचआरए के बिल, उसमें। शेड्यूल से जुगल किशोर मिश्रा की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।